सर्वप्रथम आह्वान करें हम परात्परे हम परात्पराजन्य की सम्मिलित दिव्य चेतना का अवतरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महर्षि अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो फोर द सीक्रेट नॉलेज 55वें पृष्ठ की 23वीं पंक्ति पर 45वें इंस्टॉलमेंट में हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर ऊर्ध्वारोहण कराएं ताकि रखे गए भाव को विचारणा को मंत्रों को सूत्रों को प्रकट होने पर हम ठीक ठीक देख सके जान सके सीख सके समझ सके तदन रूप साधना के द्रुप पथ पर अपना कदम आगे बढ़ा सके इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं। कहते हैं महायोगी, ए कॉन्शियसनेस दैट नोज नॉट इट्स ओन ट्रूथ, ए वैग्रेंट हंटर ऑफ मिसलीडिंग डॉन between the being's dark and luminous ends, moves here in a half-light that seems the whole, an interregnum in reality, curse of the integral thought, the total power, it circles or stands in a vague interspace, doubtful of its beginning and its close, or runs upon a road that has no end. Far from the original dusk, the final flame in some huge void, Inconscience it lives, like a thought persisting in a wide emptiness. पूर्व के कुछ भाव को साथ रखकर हम सरल भाव की ओर आगे बढ़ते हैं। सृजित सृष्टि के विकास क्रम में धरा पर सर्वोच्च विकसित मानव के मन के स्तर की सर्वश्रेष्ठ क्रियावलियों के रूप में वर्तमान में दिव्य चेतना का सर्वोपरि अभिव्यक्त स्वरूप मानव है भागवत दिव्य संकल्प उपरांत उन्हीं की दिव्य चेतना के संकल्प सिद्धि हेतु अवतरण एवं नाना आकारों में आकारित होकर अभिव्यक्तिकरण की प्रक्रिया से जड़ता से सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्त मानव रूप के द्वारा की जाने वाली गतिविधियां ही धरती के जीवन में सर्वोपरि मानी जाती हैं। विकास क्रम की यात्रा में अरूप शाश्वत चेतना का रूपायित मानव रूप तक विकसित होने उपरांत मानव का मन अब भी अर्ध चेतन विकसित स्वरूप की बुद्धिमत्ता तक ही पहुंच सका है। इस अर्ध सचेतन मन के द्वारा खंड खंड ग्रहणशीलता से प्राप्त ज्ञान की सीमितता के कारण न तो वह अभी अपने मूल उद्गम के प्रति और न ही घटित होने वाली सतत विकासोन्मुख प्रक्रिया के सत्य तथ्य से ही परिचित हो पाता है। इसी वजह से मानव मन मनवाने भ्रामक तमसील आदर्शों को स्थापित करके उनके पीछे सत्ता में व्याप्त अंत प्रेरित ज्योतिता का एक घोर
एवं बाह्य आवरण अचित असत अज्ञ से निर्मित इंद्रियोन्मुखी रहकर तामसिकता ऐसे दूसरे छोर के बीच की भ्रमपूर्ण उषाओं को सतत पीछा करते हुए व्याप्त अर्ध ज्योति प्रकाश में यह मानव मारे मारे फिरता रहता, जो सामान्य प्रकाश कौंधन को ही पूर्ण प्रकाश मानकर प्रगटी क्षण ज्योति की मंद प्रभा को पाने के लिए पीछा करने को उद्धत हो जाता। परिणाम परम सत्य प्रकाश की तीव्र परिपूर्ण प्रकाश से वंचित रहकर निरर्थक बड़ी बड़ी व्यर्थ घोषणाएं करता है। मृग कस्तूरी खोज के समान भीतर में बसी वास्तविक सत्य अंश की भीनी भीनी परम सत्य प्रकाशित खुशबू, जो वास्तव में परम मूल सत्य का ही अंश है, इसने ही तो विकास क्रम से बाह्याकारित चेतना पर पड़े जड़त्व के तमस से अर्ध चेतन विकसित यह मानव मन अभिव्यक्त स्तर पाया है। इसलिए परम सत्य से संबंधित हमारा यह वर्तमान मन तो परम सत्य के अभिव्यक्तिकरण प्रक्रिया में व्यक्त हुई एक मध्यावस्था ही तो है, जो अचित असत अज्ञान अंधकार ग्रसित व्यक्त जड़ से अर्ध चेतन विकसित होते होते मन के विकसित स्वरूप तक पहुंचाए और जो भविष्य में कभी पूर्ण दिव्य सत्य ज्ञान धारण करेगा हमारा मन। अचलायमान शाश्वतता मूल से उद्भूत दिव्य संकल्प एकोम श्याम के पूर्ण दिव्य विचार से हमारी यह मध्यावस्था तक विकसित मानव मन कभी हमारे चैत्य के मूल से जुड़े संबंध की सचेतन अवस्था में स्थित था। अचित आवरण अभिव्यक्तिकरण से मूल दिव्य विचार से संबंध विच्छेद तथा मूल की समग्र शक्ति से भी संबंध छिन्न भिन्न अवस्था में स्थित हुआ यह मानव सत्ता तथा मन सदैव अपने आदि मूल एवं अंत प्रति शंका ग्रस्त बना रहता और शंकित अवस्था में मध्य देश के धुंधले ज्ञान प्रकाश में कोलू रिढ़न समान गोल गोल चक्कर खाता रहता, या कि फिर किम कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में खड़ा रह जाता, क्योंकि समग्रता से पूर्ण ज्ञान प्राप्त न कर सकने की क्षमता वाला हमारा यह मन खंड खंड करके ही ज्ञान प्राप्त कर पाता। ऐसे में किसी भी सामान्य भ्रमित ज्ञान प्रकाशित क्षणिक कौधन को पूर्ण सत्य मान उसके पीछे पीछे किसी अंतहीन लक्ष्यहीन मार्ग पर दौड़ा करता है। इस कोलूरेड़न व्यर्थ दौड़ा धूपी से मानव संकल्प सिद्धि मार्ग पर बढ़ने के मानव के प्रयास को अत्यंत धीमा मंदा कर देता है। इस प्रकार धरती के सर्वश्रेष्ठ विकसित मन चेतनाधारी मानव अपने प्रारंभिक सत्य चेतना मूल उद्गम से बहुत दूर हो जाने से उस
कोटि शाश्वत सूर्यालोकित प्रदेश से सुदूर तक अर्ध चेतन सांध्य प्रकाश की मंद किरण या प्रातः की सूर्योदय पूर्व की प्रारंभिक प्रकाश तक से भी वंचित रहने से ऐसे अहसास वाला यह मध्यावस्था आलोकित मन धारी मानव भविष्य में विकसित होकर व्यक्त रूपों में अभिव्यक्ति पा जाने के पूर्णत्व देवत्व दिव्यत्व से भी अर्थात पूर्णाभिव्यक्ति से भागवत तुल्य व्यक्त स्वरूपों में जीवन यापन करने के अंतिम ज्वाल से भी अत्यंत दूरी पर ही स्थित रह जाता अपने इर्द गिर्द व्याप्त एक महाविशाल अवचेतन शून्य से आवरणित यह मानव इसमें ही निवसित होकर जीवन यापन करता जाता फिर भी भीतरी दिव्यांश की भीनी भीनी शाश्वती मृग कस्तूरी सम आकर्षित करती खुशबू से सतत प्रभावित बना रहकर मूल विचार भागवत संकल्प सिद्धि प्रयास हेतु दृढ़ संकल्पित बने रहकर सतत इसी जगत जीवन में डटा रहता है चाहे बाह्य वातावरण में उस विचार के समान जो कितना भी विस्तृत विशाल रीतापन मानव पर क्यों न व्याप्त रहता हो। आज हम इस सारगर्भित विषय को यही विराम देते हैं। आह्वान पर अवतरित हुई परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना जिन पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के दिव्य सूत्रों मंत्रों को प्रकट होने पर देखा सीखा समझा जाना अवतरित हुई दिव्य चेतना से हम निवेदन करें प्रकट हुए इस ज्ञान को विज्ञान को हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराएं ताकि जब जब साधना के दुरुपद पर हमें ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता हो तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के दुरुपद पर हमारा नेतृत्व कराए। इसी मनोभाव से हम कुछ क्षणों के लिए ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं। सचेतन सावधान सावचेत बने रहें। भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तरों पर संपन्न होने जा रही।